डिटेक्टर के बाद नेक्स्ट जो है ये इसके अंदर अटैच होते हैं रिकॉर्डर। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये डिटेक्टर अटैच होता है, कुछ के अंदर जो है वो आयन कलेक्टर होता है, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोमीटर होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर को ही वैसे हम आयन कलेक्टर भी कहते हैं, सही हो गया। तो जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर डायरेक्टली डिटेक्टर अटैच होता है, जबकि जो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर अटैच होते हैं, जो कि डायरेक्टली करंट को मेजर करते हैं, और करंट को करंट की मेजरिंग से हमें पता चल जाता है कि किस आइसोटोप का कितना मास है, ठीक है, समझ आ गई। और नेक्स्ट इसके रिकॉर्डर अटैच होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के साथ इसको डायरेक्टली अटैच किया होता है, जो कि हमें ग्राफ के फॉर्म में दे देता है। अब जैसे ये जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि आइसोटोप्स होंगे, ये डिटेक्टर को हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हीट करने से ये करंट प्रोड्यूस करेंगे, और उस करंट को एम्पलीफाई करके आगे जो है वो कंप्यूटर में सेंड किया जाएगा। यहाँ पे डिटेक्टर के साथ डायरेक्टली अटैच है कंप्यूटर, और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक ग्राफ बन के आ जाएगा। इस कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एक शो होगा ग्राफ, पर कुछ पीक्स शो होंगी, सही, इस तरह से कुछ पीक्स शो होंगे। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमेशा पीक्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है ये पीक्स हैं, लाइंस की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे होता है मैस, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसको मैं थोड़ा जो है ना इसको खोल के लिखती हूँ। इस तरह से ग्राफ आता है हमारे पास, एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहा जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे शो होता है इसका मैस नंबर, और वाई एक्सिस पे होती है रिलेटिव अबंडेंस, क्लियर। वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस, जबकि एक्स एक्सिस पे होता है मैस नंबर, और इसके अंदर जो पीक्स होती है ना इस ग्राफ के अंदर वो लाइंस की फॉर्म में आती है, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर ग्राफ कैसा आता है, तो आपने बताना है कि इसमें ग्राफ जो है वो मैस नंबर जो रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स उसको प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट द मैस नंबर या फिर मैस टू चार्ज रेशियो, और इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, क्लियर। ये आइसोटोप नंबर 20, ये है 21 और दिस इज 22, सही है। यहाँ पे मैस नंबर शो होते हैं और ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं इसके रिलेटिव अबंडेंस को, यानी कितनी परसेंटेज में ये आइसोटोप प्रेजेंट है। तो ये जो बड़ी पीक है यानी इसकी जो लेंथ है ये यहाँ पे शो कर रही है कि ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी अबंडेंस बहुत ही कम है, और इसकी अबंडेंस जो है ये इन दोनों के सेंटर में होती है, ठीक है। ये होता है 8.82%, दिस इज 0.257%, जबकि जो नियॉन 20 है दैट इज 90.92% प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट होता है, इसके अंदर मैस नंबर को जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और रिलेटिव अबंडेंस को ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहा जाता है जबकि वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम इनकी इसका प्रिंसिपल देखें मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, तो प्रिंसिपल क्या होता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो भी सैंपल है उसको हम आयनाइज्ड फॉर्म में एंटर करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसकी आयनाइजेशन होती है, आयनाइजेशन के बाद उन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, और एक्सेलरेट होने के बाद ये फर्स्ट मूविंग पार्टिकल्स भी मूव करते हैं इनटू द मैग्नेटिक रीजन, जहाँ पे उनको उनके मैसेस की बेस पे सेपरेट कर लिया जाता है, और इस तरह से ये डिटेक्टर को हिट करते हैं। और डिटेक्टर क्योंकि डायरेक्टली अटैच होता है हमारे कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर पे ग्राफ की फॉर्म में हमें इस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलते हैं, और स्पेक्ट्रोग्राफ में जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट द मैस टू चार्ज रेशियो और द मैस नंबर, क्लियर हो गया। ये इसका प्रिंसिपल है, और ये इसकी हमने वर्किंग भी पढ़ ली, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको आपने एज इट इज इसी तरह से सिंपल वर्ड में और इसी तरह से हेडिंग्स बना के आपने लिख लेना है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर एंड डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ना ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है, ओल्ड वर्जन है, जबकि ये जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये लेटेस्ट वर्जन है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर था इसके अंदर जस्ट टू जस्ट हम गैसियस सैंपल ही को आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है, और इसके अंदर जो वो रिकॉर्डर डिटेक्टर नहीं होता बल्कि इसके अंदर कोई एनालाइजर या आयन कलेक्टर अटैच होता है, ठीक है, जिसमें करंट को मेजर करके फिर हम उसको आगे जो एम्पलीफाई करके उससे मैस कैलकुलेट करते थे। जबकि जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और इसके फंक्शंस भी ज्यादा एडवांस हैं,
यानी कि एक तो इसके अंदर हम हर तरह के सैंपल को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो गैशियस फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। हर तरह के सैंपल को हम इजीली इसमें डेंसिटी मास स्पेक्ट्रोमीटर में स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड वन, इसके अंदर आयन कलेक्टर की बजाय डायरेक्टली डिटेक्टर अटैच होते हैं जो कि इनके मैसेज को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, और एक ग्राफ जो है वो रिकॉर्डर के ऊपर यानी कि कंप्यूटर के ऊपर जो हमें ग्राफ डिस्प्ले हो जाता है मैस नंबर और रिलेटिव अबंडेंस के अगेंस्ट, और इस तरह से हम इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं सैंपल को, ठीक है। तो ये थे इन दोनों एस्टेंस मैस स्पेक्ट्रोमीटर और डेंसिटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मेन डिफ्रेंसेस। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस क्वेश्चन में से, या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक रीजन, मैग्नेटिक फील्ड इन द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनके पाथ को डिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर परमानेंट मैग्नेट सप्लाई कर दिए जाएं तो फिर ये इनके पाथ को जो है वो सर्कुलर पाथ में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेजेक्टरी बनाते हुए इनके कर्व बनाते हुए यहाँ पे डिटेक्टर को हीट करेंगे, और इजीली हम इनके मैसेज को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जिसका मैस कम होगा वो पहले हीट करेगा और जिसका मैस ज़्यादा होगा वो लास्ट हीट करेगा, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक रीजन का यहाँ पे वर्क होता है। इसके अलावा जो है वो पूछा जाता है कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है और किस तरह से प्लॉट किया जाता है, तो वो भी आपने अच्छे से समझ लिए। एक और चीज़ जहाँ पे आपने याद रखनी है कि ये जो हैं हमारे आइसोटोप्स, हम इनके मैसेज तो कैलकुलेट कर लिए, बट हम इन आइसोटोप्स को अब सेपरेट किस तरह से करेंगे, ठीक है। हम इनको अलग-अलग किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिनमें है गैशियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि हम इन आइसोटोप्स को सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो इन मेथड से हम इन आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं यहाँ पे, बट अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।